वेलकम टू माई एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल। आज के टेक्स्ट फॉर्मूलाज में हम देखने वाले हैं कॉन्कैटनेट, डॉलर एंड एग्जैक्ट। अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि फॉर्मूलाज को आप फॉर्मूलाज टैब में टेक्स्ट में जाके जो भी फॉर्मूला आप यूज़ करना चाहते हैं आप डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज हम जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो हम डायरेक्टली इज इक्वल टू यूज़ करके फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे हम फॉर्मूला देखने वाले हैं वो है कॉन्कैटनेट। कॉन्कैटनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये कब यूज़ होता है? जब आप दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करते हो, जैसे कि दो सेल्स हो गए उनको आपको कंबाइन करना है, तब आप ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ करते हो। अब कैसे यूज़ करना है? सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैं यहाँ पे दो टेक्स्ट ले लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया है एक नाम, यहाँ एक सरनेम। अब देखते हैं हम कैसे यूज़ करना है इसे। सबसे फर्स्ट मैं यहाँ डालूँगी इज इक्वल टू कॉन्कैटनेट। आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मूला आ गया है, जॉइन सेवरल स्ट्रिंग्स इनटू अ वन स्ट्रिंग। अब यहाँ पे मैं इसको ले लेती हूँ, ये मुझे टेक्स्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टेक्स्ट लिया, कॉमा देके मैंने यहाँ पे सेकंड टेक्स्ट लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप यहाँ पे देखोगे दोनों साथ में कंबाइन हो गए। तो कॉन्कैटनेट ऑप्शन यूज़ होता है दो चीज़ों को साथ में कंबाइन करने के लिए। अब इसी चीज़ को अगर आप इसके अंदर कुछ एडिशंस करना चाहते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे इज इक्वल टू कॉन्कैटनेट। जैसे यहाँ मैंने लिया फर्स्ट मेरा टेक्स्ट, सेकंड मुझे इसके बीच में चाहिए स्पेस। जैसे आप देख सकते हो इसमें स्पेस नहीं है तो मुझे स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमास डालूँगी, इसमें स्पेस डालूँगी, इन्वर्टेड क्लोज, एंड मेरा सेकंड स्ट्रिंग जो है वो सिलेक्ट करूँगी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप यहाँ पे देखोगे ये स्पेस के साथ में आ गया। तो मतलब इसको आप फॉर्मूला को सिर्फ टेक्स्ट वाइज ही नहीं, इसके अंदर आपको अगर कोई और स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे कि आपके स्लैंटिंग वाले जो ऑप्शंस होते हैं, स्लैंटिंग सिंबल्स होते हैं, या फिर डैश होता है, फुल स्टॉप होता है, कॉमा होता है, जो भी आपको एक्स्ट्रा इसके अंदर यूज़ करना है वो भी आप यूज़ कर सकते हो दो वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए। ये सिर्फ वर्ड्स पे काम नहीं करता, ये नंबर्स पे भी काम करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं कंट्री कोड लिख रही हूँ इंडिया का, एंड यहाँ पे मैं एक रैंडमली कोई भी नंबर लिख रही हूँ, ठीक है। अब इनको मैं कंबाइन करूँगी कॉन्कैटनेट यूज़ करके। तो यहाँ पे मैं डालती हूँ कॉन्कैटनेट टेक्स्ट वन के लिए। यहाँ पे आप चाहिए तो डायरेक्टली ऐसे प्लस का सिम्बॉल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड मैं यहाँ पर लेती हूँ टेक्स्ट टू, ये आएगा, उसके बाद आएगा डैश, उसके बाद आएगा ये नंबर, ब्रैकेट क्लोज। आप एक बार यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, सबसे फर्स्ट मैंने प्लस डाला है, मैंने सेकंड कंट्री कोड सेलेक्ट किया है, थर्ड मैंने एक डैश यूज़ किया, एंड फोर्थ मैंने नंबर डाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो नंबर है वो कुछ इस तरीके से एक ही सेल में कंबाइन होकर दिखाई देगा। अब आप सोचोगे कि ये फॉर्मूला हम सिंगल सेल में यूज़ कर रहे हैं, उसका कोई यूज़ नहीं आ रहा है। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ, ब्रीफ एग्जांपल, जिससे आपको ये फॉर्मूला एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्कैटनेट के लिए मैंने कुछ टेक्स्ट ऑलरेडी लिया हुआ है, ये कुछ नाम है एंड ये कुछ सरनेम्स हैं, मुझे इन्हें कंबाइन करके इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर शो करना है। तो कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम जाएंगे इज इक्वल टू कॉन्कैटनेट, यहाँ पे मैं टेक्स्ट वन सेलेक्ट करूँगी, कॉमा, यहाँ पे मैं स्पेस दूँगी, सेकेंड यहाँ पे मैं ये वाला टेक्स्ट सिलेक्ट करूँगी। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया, सबसे फर्स्ट मैंने फर्स्ट सेल सिलेक्ट किया, स्पेस दिया, सेकेंड मैंने लास्ट वाला सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे ये आ गया है। अब सपोज़ मैं इसे यहाँ पे ऑटोफिल से सिलेक्ट करती हूँ, तो आप नोटिस करोगे ये ऑटोमेटिकली मेरे सारे सेल्स के लिए अप्लाई हो गया। तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे जो भी नाम है, जो भी सरनेम्स हैं, जो भी मिडिल नेम्स हैं, वो सब एक साथ यहाँ पे आ गए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्कूल टीचर हो, या फिर अगर आपके पास में बहुत सारे नंबर्स का डेटाबेस है, आप किसी ऑफिस में काम करते हो एंड आपको बोला गया दो सेल्स को कंबाइन करके एक ही सेल में दिखाओ, तो उस टाइम पर आप ये कॉन्कैटनेट फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हमने कंट्री कोड के लिए किया, अगर सपोज़ आपके पास में 20, 30, 50 जितने भी नंबर्स की रेंज है, आप एक ही बार ऊपर अप्लाई करोगे एंड वो ऑटोमेटिकली सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखते हैं डॉलर। आपने डॉलर तो ऑप्शन ऑलरेडी देखा हुआ है होम में, जैसे कि आपको याद है होम में नंबर में हमने देखा था यहाँ से हम लोग कैसे करेंसी ले सकते हैं। तो ये जो डॉलर फॉर्मूला है ये सिर्फ डॉलर करेंसी देने के लिए यूज़ होता है। मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ, जैसे यहाँ पे मैं डालूँगी इज इक्वल टू डॉलर, यहाँ पे मैं डालती हूँ नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डालती हूँ 25, ये मेरा नंबर है जो मुझे डॉलर में कन्वर्ट करना है। अब आपको ये एक और ऑप्शन पूछ रहा है डेसिमल्स, आप कितने डेसिमल्स डालना चाहते हो। सपोज़ मैं डाल देती हूँ 2 डेसिमल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है $25। अब सिमिलरली आप इसको चेंज करना चाहते हो, आप कहते हो कि मुझे कोई डेसिमल्स नहीं चाहिए, तो आप इसे ज़ीरो कर दो। नंबर सपोज़ आपको चेंज करना है कि चलो 1 करना है, तो 1 कर लो, तो ये आपको दिखा रहा है $1। तो सिमिलरली ये भी आप ऐसे किसी रेंज पे ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कॉन्कैटनेट दिखाया, उसमें एक रेंज थी, अगर सपोज़ आपके इसमें बहुत सारे रेंज हैं नंबर्स, उसमें आप ऑटोफिल से ड्रैग करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर अप्लाई हो जाएगा।
लास्ट जो फॉर्मूला हम इस सेशन में देखने वाले वो है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट भी एक बहुत यूज़फुल फॉर्मूला है, तो आप ध्यान से देखिए। एग्जैक्ट किसके लिए यूज़ होता है? जब हम दो सेल्स को कंबाइन करते हैं और उसका हम लोग रिजल्ट निकालते हैं कि दोनों मैचिंग है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ एक सिंपल एग्जाम्पल। जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया है और ये आप देखोगे, अगर किसी को ये नंबर सेम दिखेगा एंड जिन्होंने ध्यान दिया उनको ये नंबर अलग अलग भी दिख सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि ये नंबर मतलब सेम है या नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों नंबर में डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे 98 है और यहाँ पे 99 है, तो अगर आपने देखा है तो आपको डिफरेंस दिखेगा। तो अब जैसे इसको हमें चेक करना है, तो मैं यहाँ पर डालूँगी इज इक्वल टू एग्जैक्ट। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगी फर्स्ट टेक्स्ट, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगी सेकेंड टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये मुझे फॉल्स बता रहा है क्योंकि ये दोनों एग्जैक्ट नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे चेंजेस किए थे तो ये ऑटोमेटिकली मुझे फॉल्स दिखा रहा है। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं? जब हम लोग किसी भी दो सेल्स की वैल्यूज़ को चेक करते हैं, मैच करते हैं कि दोनों सही है या नहीं, उसके लिए हम एग्जैक्ट यूज़ करते हैं। ये सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं है, ये वर्ड्स के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने एक नाम लिखा है और इसी के अंदर ये एक लिखा है। जैसे आप देख सकते हो दोनों डिफरेंट टेक्स्ट है। तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू एग्जैक्ट ले लेती हूँ, फर्स्ट टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, सेकंड सेलेक्ट किया है, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये मुझे फॉल्स दिखा रहा है। अगर सपोज़ मैं इसे करेक्ट करती हूँ तो ये मुझे ट्रू वैल्यू देगा यहाँ पे। अब आप सोचो कि इसका क्या यूज़ है, हम तो सामने देख रहे हैं, हमें तो दिख रहा है सामने कि ये तो हाँ चेंज है, तो हम समझ गए, तो क्यों फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम एग्जैक्ट? तो मैं आपको दिखाती हूँ क्यों हम यूज़ कर रहे हैं ये फॉर्मूला। अब आप देख सकते हैं ये बहुत लंबी लिस्ट है। अब इसमें ढूंढने में तो आपको टाइम जाएगा कि ये नंबर और ये नंबर मैचिंग है या नहीं, तो इस टाइम पे ये फॉर्मूला आपको यूज़ आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। जैसे मैंने यहाँ डाला है इज इक्वल टू एग्जैक्ट, यहाँ मैंने ले लिया ये सेल फर्स्ट वाला, यहाँ मैंने सेकेंड वाला ले लिया। मुझे क्या चेक करना है कि मेरी जो फर्स्ट लिस्ट है वो मेरी सेकेंड लिस्ट से मैचिंग है या नहीं। तो आप देखोगे फर्स्ट वाला मुझे ट्रू दिखा रहा है क्योंकि ये दोनों सेम है। अब मैं इसे यहाँ से ड्रैग करूँगी जितने मेरे नंबर्स हैं उतने, और ये मुझे दिखा रहा है देखो फॉल्स तीन जगह पे। आप चेक कर सकते हो, ये देखो 343 334 डिफरेंस है एग्जैक्टली। तो ये फॉर्मूला आपका ट्रू एंड फॉल्स का कब यूज़ होता है? जब आपको एक बहुत लंबा डेटा हो आपके पास, आपके बॉस ने आपको दे दिया ये लो दो शीट्स, ये लो इन्वेंट्री की लिस्ट, अभी टैली करो दोनों सेम है या नहीं, तो उस टाइम पे आप ये फॉर्मूलाज का यूज़ जो है वो कर सकते हो। या फिर अगर आप इसे किसी टेक्स्ट में भी यूज़ करना चाहते हो, टेक्स्ट फॉर्मेट में, उस टाइम पे भी आपको ये फॉर्मूला जो है वो यूज़फुल